हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। आज के इस वीडियो में दोस्तों राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी को लेकर आज दिनांक 28 फरवरी 2022 की जो है लेटेस्ट अपडेट में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है 9 फरवरी 2022 से 28 फरवरी 2022 तक यानी कि आज जो है राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी के लिए जो अप्लाई करने की डेट थी वो आज लास्ट डेट हो चुकी है। और अब जब लास्ट डेट निकल चुकी है तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने ये फॉर्म अप्लाई किया है उन सभी स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन है कि इस बार जो है टोटल नंबर ऑफ जो फॉर्म्स है वो कितने अप्लाई किए गए हैं, मतलब कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो है टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी का फॉर्म फिल किया है। तो दोस्तों संख्या बताने से पहले मैं आप सबको सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि जब 2018 में ये वैकेंसी आई थी तो लगभग जो है 2.50 लाख, मतलब 2.5 लाख स्टूडेंट्स ने जो है फॉर्म अप्लाई किया था 2018 में, 2,50,000। इस बार जब वैकेंसी आई तो उम्मीद थी कि लगभग 4-5 साल बाद में वैकेंसी आई, लगभग 3-4 साल के आसपास जो है टाइम हो चुका है, तो 3-4 साल बाद में जब वैकेंसी आई है तो लगभग सभी को ये उम्मीद थी कि इस बार जो है 3 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल इसके विपरीत है दोस्तों। यहाँ पे जो है इस बार जो फॉर्म भरे गए हैं उनकी संख्या लगभग 1.5 लाख बताई जा रही है, 1,50,000 इस बार जो है 1,50,000 फॉर्म भरे गए हैं। आज दिनांक 28 फरवरी 2022 तक टेक्निकल हेल्पर थर्ड की वैकेंसी के लिए, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है पिछली बार से बहुत कम है, लगभग 1 लाख फॉर्म जो है कम भरे गए हैं। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में कंपटीशन हालांकि थोड़ा बहुत कम हो जाता है, लेकिन आप ये देखिए दोस्तों कि पिछली बार वैकेंसी लगभग डबल थी, ठीक है 1,000 वैकेंसी ज्यादा थी, तो वैकेंसीज इस बार कम है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, तो कंपटीशन लगभग उतना ही है, उतना का उतना ही कंपटीशन है। पिछली बार जितना कंपटीशन था ठीक उतना ही कंपटीशन इस बार भी रहने वाला है। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, वैसे तो देखो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया उन स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना चाहिए था। जब आप लोग आईटीआई करते हो लाखों रुपए खर्च करते हो, उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहां पे आप लोग जो है पैसा जो है खर्च करते हो, तो यहाँ पे जो है 1,000-1,200 रुपए आप लोगों से लिए जा रहे थे, तो उसमें जो है आप लोगों को फॉर्म जरूर भरना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन या गवर्नमेंट जॉब करने के इच्छुक होते हैं उनको जो है फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए था। बाकी जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म अप्लाई किया है उन स्टूडेंट्स से मैं यही कहना चाहूंगा कि आपका जो एग्जाम है वो विद इन 1 मंथ, आप मान के चलिए 1 महीने के अंदर अंदर जो है डेट आ सकती है एग्जाम की, तो आप लोग जो आपकी पढ़ाई है उसको बिल्कुल बढ़िया लेवल पे अच्छी स्पीड से जो है जारी रखें, काफी बढ़िया से जो है अपनी तैयारी करते रहें, जितना हो सके उतना फास्ट एक तरीके से जो है आप लोग अपनी पढ़ाई को करते रहें, ताकि ये जो वैकेंसी आई है लंबे इंतजार के बाद में इस वैकेंसी का जो है आप लोगों को फायदा मिल सके। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, इसी से रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन होगी तो मैं इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।